अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो अभी आप ये देखें, हम हॉल के अंदर इन हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से पूरा हॉल विज़िट करवाऊंगी, क्योंकि अभी तक इतने मेहमान नहीं आए हुए थे, तो कमी थे और हम लोग भी चले गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ, पूरा हॉल आपको विज़िट करवाऊँ। तो ये अभी मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पर पूरे हॉल का विज़िट। तो आपको मैं कह रही हूँ कि चलें आप लोग मेरे साथ, मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। और गलती से मैं दूसरी साइड चला गया और अम्मी लोग दूसरी साइड जा रहे हैं, देखें। हाँ, वो गैप आ गया था ना बीच में, वो कोई मसला नहीं है, वीडियो तो बन रही है ना। तो ये अब जा रहे हैं मैं और रिदा कपल की सीट की तरफ ना, स्टेज की तरफ सीट ही हो गई उनकी, उनके उधर जा रहे हैं हम लोग। तो ये रहा कपल का, और ये कपल अभी नहीं आए थे क्योंकि पहले आते हैं मेहमान और एंड में एंट्री होती है कपल की। तो ये मैं आपको बता रही तो अब मैं बड़े प्यार से पूरे हॉल में कैमरा घुमाते हुए देखे पूरे हॉल की वो कर रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ पूरे हॉल को। ये अभी कैमरा में दिखा रहा हूँ, ये अम्मी अपनी जगह पे बैठने जा रही हैं और बैठ गई अम्मी अभी। मैं अभी बैठ गई थी तो मैं रोबी लोगों का वेट कर रही थी, क्योंकि रोबी और मेरा और वो आ रहे थे, बाइक पे आ रहे थे लेवी लोग, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका भी। तो वो आएंगे तो फिर हम लोग बैठ के हम अपनी गप्पे आपसे उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो अभी उनका वेट हो रहा है इधर, और साथ साथ बाकी के गेस्टों का भी वेट हो रहा है। जैसे ही पूरे गेस्ट आ जाएंगे तो फिर ब्राइड और ग्रूम की जो है ना वो एंट्री होगी अंदर। तो इधर भाभी जो है पता नहीं क्या कह रही है अम्मी के कान में, और मैंने कैमरा जो है स्टेज की तरफ कर दिया। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, गाने बज रहे थे। तो यहाँ जो है ना लेवी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो है ना जाके स्टेज पर बैठ गई। हाँ, कपल की जगह पहले बैठ गई है दोनों। हाँ, और मुझे कह रही है चाचू हमारी वीडियो बनाओ, और ये देखे लेवी के एक्शन, और कितनी क्यूट लग रही हैं दोनों। और ये पूरे हॉल में लेवी और ये दोनों ही खेल रहे थे बस, लेवी किसी के साथ नहीं खेल रही थी। ये देखें, अब खुद छलांग मारेगी, उसको भी बोलेगी छलांग मारो, बहुत मस्तियाँ कर रही थी ये दोनों। ये देखें अभी ये मारेगी, ये देखें लेवी की मस्तियाँ, और ये एल्सा भी साथ, और ये उसकी मम्मा कह रही है इधर आ जाओ, उधर नहीं, इधर खेलो। और इधर फोटोशूट हो रहा है इनका, रोबी और मायरा जैसे के आ चुके हैं हॉल में, तो अभी आते साथ ही इन्होंने फोटोशूट शुरू कर दिया अपना। आपको पता है यही मौका होता है कि बंदा तैयार श्यार होकर ना तस्वीरें वगैरह लेता है। हाँ, ये रोबी खींच रहा है तस्वीरें, ये देखें। अभी मतलब कि जितने भी गेस्ट आए थे अम्मी, वो सारे अपनी अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे थे, है ना। हाँ, सबके हाथों में मोबाइल थे, सब अपनी अपनी पिक्चर बना रहे थे। और यहाँ अब रोबी और मायरा जो है अकेले में अपना सिंगल शूट कर रहे हैं दोनों, और अम्मी जो है अपनी टेबल की तरफ जाते हुए, बल्कि अम्मी तो रास्ते में खड़ी हो गई हैं। मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा वेट कर रही थी, मैंने कहा ये तस्वीरें वगैरह बना लें तो फिर टेबल पर जाके बैठें, मैं इसलिए वेट कर रही थी। और यहाँ रोबी जो है वो कुछ कह रहा था मेरे से, मतलब कि इंटरव्यू दे रहा था अपना। तो यहाँ जो है लड़की वाले आ गए सारे, लड़की वाले हॉल में एंटर हो गए, ये देखें आप, अब वो अपनी जगह देख रहे हैं बैठने के लिए। लड़की वाले आ चुके हैं और अभी बाकी के काफ़ी मेहमान जो है वो आना बाकी हैं। तो अभी लड़के वाले भी आएंगे ना, पहले लड़की वाले आए। और ये जो है सबकी एंट्री जब हो गई थी, मेहमान आना शुरू हो गए थे, तो ये एंट्रेंस जो है ना गेट वब बनाना शुरू किया था इन्होंने, मतलब के काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं वो अभी एंट्रेंस रेडी कर रहे हैं कि ब्राइड और ग्रूम जैसी आए तो फोकस उनके ऊपर पड़े। सही। और ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि लड़की वाले आ चुके हैं, तो अभी लड़के वाले आएंगे तो। और अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अम्मी का हेयर स्टाइल। और ये देखिए हेयर स्टाइल मेरा बनाया है डोनल ने, और कितना खूबसूरत बनाया है, और बाल भी मेरे कर्लिंग डोनल ने किए हैं, बहुत प्यारे किए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, पर मैंने ज़िंदगी में पहली बार करवाए हैं ऐसे बाल, और बाल मेरे अभी है नहीं। तो चलें आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए देखें कि ब्राइड और ग्रूम जो है वो एंट्री ले रहे हैं, आ चुके हैं। ये देखें, पर डोनल्ड वो सही फोकस नहीं किया आपने। तो आगे लोग खड़े होकर अपनी वीडियो बना रहे थे ना, सब लोग रश लगा हुआ था, मोबाइलों में भी बना रहे थे और वीडियो। और मुझे सबसे ज़्यादा जिसने डिस्टर्ब किया ना वो कैमरा मैन है। अभी आप आगे आके देखना, मैं जिधर ही ब्राइड और ग्रूम के ऊपर फोकस करूँगा आगे कैमरा मैन खड़ा हो जाएगा। तो अभी वो गेट से एंटर ही अम्मी जो है, अम्मी भी देखने के लिए खड़ी हो गई है। सब
सब खड़े हुए थे ना एंट्री देखने के लिए, सब खड़े हो गए थे, सब खड़े हो, हॉल की लाइटें बंद हो चुकी हैं और फोकस लाइट खुल चुकी है जी हाँ, और वो जो कपल पे ये फोकस हो रहा है लाइट का, और ये स्टेज की तरफ आप देखें कितना प्यारा सा माहौल बना हुआ है, कितनी अच्छी लाइटिंग लग रही है ना अम्मी? हाँ बहुत प्यारी लग रही है, रेड और ब्लू थी मेरे ख्याल से, है ना, पिंक पिंक और रेड वो भी है ना, ब्लू भी थी, वो ब्लू तो वो लगे हुए थे ना झूमर जो लगे हुए हैं वो लगे हुए थे। हाँ ये देखें अभी एंट्री हो रही है उनकी, आराम आराम से आ रहे हैं वो वीडियो के साथ और फोटोशूट के साथ जो है ना, दूल्हा दुल्हन आगे बढ़ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कदम अपने आगे बढ़ाते हुए, ये अब आ चुके हैं फ्लोर पे, स्टेज की तरफ, स्टेज की तरफ जा रहे हैं, फ्लोर पे रैंप वॉक पे आ चुके हैं ना, तो अभी इनको जो है ना कैमरामैन ने बड़ा डिस्टर्ब किया था, हर एक कदम पे रोक रहा था, परेशान हो, तो इधर जो है आगे काफ़ी रश थी, लेडीज़ वगैरह काफ़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने जो है ना दूर से फोकस करने की कोशिश की, तो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया, आगे बहुत करीब से भी आपको दिखाऊंगा ब्राइट। तो अभी स्टेज की तरफ बढ़ते हुए ये सारे देखे, जिधर जिधर जा रहे हैं लोग भी उधर ही जा रहे हैं अम्मी। हाँ तो वो बना रहे हैं ना अपनी वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पे बैठ चुके हैं मेरे घर वाले, हम सारे बैठ चुके थे क्योंकि खड़े हो के थक गए थे ना, तो बैठ गए हैं अभी, नहीं मैं अब जो है ना सीधा फोकस ब्राइड और ग्रूम का है, क्योंकि ये स्टेज के बिल्कुल पास आ चुके हैं और लाइट की वजह से देखे दोनों के फेस क्लियर नहीं नज़र आ रहे, इतनी तेज़ लाइट थी फोकस लाइट, और खड़े होकर कैमरा पकड़ पकड़ के मेरी तो टांगे दर्द करने लग गई थी, और ये देखे कैमरामैन किधर लेट गया, इतना आसान काम नहीं होता मूवी बनाना, देखे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है एक अच्छी परफेक्ट मूवी बनाने के लिए, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, सेटअप भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और खाना भी बहुत अच्छा था। और ये ब्राइट जो है ना अभी स्टेज की तरफ जा रही है, पहुंच के स्टेज की तरफ ये लो, तो अभी यहाँ सामने से रश हटाते हुए ये पार्टी पॉपर फाड़ा था ऊपर तो, जैसे स्टेज के पास पहुंचे थे वो लोग, क्योंकि रश बहुत है ना, वो कैमरामैन भी थे, वीडियो वाला भी था। अभी इधर भी ब्राइट को रोक देगा कैमरामैन, ब्राइट बहुत तंग आ गई थी, ये डायरेक्शन देते हुए कि आप पहले अपना हाथ दें उनको, और इधर जो है बहुत ज़ोर से गाने बज रहे थे, और गाना भी इधर आपको बताएंगे कि कौन सा था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे पास हो, इधर वो गाना चल रहा था। चलो फाइनली ब्राइट जो है ना स्टेज पे चढ़ने वाली है, बस ये जा रही है, बस थक जाता है बंदा। हाँ ना, आते आते इनको मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया था, ऐसे ही जैसे ये कर रहे थे तस्वीरें बना रहे थे, फोकस करवा रहे थे, तो स्टेज पे आते आते या आप ये सोचें कि ये हो गया था इनको, और अभी ये बाकी का शूट हो रहा है अभी इनका जो है ना, ये अभी उनको अम्ब्रेला दिया कैमरामैन ने, अब इस पे शूट होगा इनका, वो इसलिए इनके हाथ में दिया था अम्ब्रेला क्योंकि अभी वो स्नोफॉल करेंगे ना ऊपर से, तो ताकि ब्राइट का मेकअप और ब्राइट के जो बाल है वो ख़राब ना हो स्नोफॉल से, इसके बाद स्नोफॉल हुआ था इनके ऊपर ये इसके। जी तो एवरीवन ये देखें अभी तक फूड रेडी होना शुरू हो गया, और तो आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे फूड के बारे में? मैं वही कह रहा हूँ फूड रेडी हो रहा है इधर अभी, और ऑलमोस्ट ये डन है, और अभी ये जो बाकी का है ये रेडी हो रहा है। तो ये एंट्रेंस है, अभी ग्रैंड मार्च शुरू होने लगी है इधर, इधर फूड रेडी हो रहा है एंट्रेंस में जो है, अभी ग्रैंड मार्च होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी देखें ब्राइड और ग्रूम जो है वो खड़े हुए हैं ग्रैंड मार्च के लिए, तो ये लोंडे लपाड़े बॉयज कंपनी सारी, और ये देखे लाइन कितनी लंबी है, रॉबी और मायरा भी खड़े हुए,
और ये रेडी हो रही है ग्रैंड मार्च की तैयारी। तो ये इधर से पूरी ग्रैंड मार्च स्टार्ट होगी, पूरा ग्राउंड घूमेगी, वो भी आपको दिखाएंगे अभी ग्रैंड मार्च कैसी होती है। खाना आ चुका है टेबल पे और हम लोग खाना खाते हुए और अम्मी हर बार की तरह ये देखे लैवी को खिलाते हुए और आप सबको बोलते हुए कि जिस जिसने खाना है वो आ जाए। और इधर ये सब अपनी अपनी प्लेट में अपना अपना खाना डाल दें। और ये कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, चिकन टिक्के एंड ताफ्तान, शीरमाल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और मीठा जो है हमारे टेबल पर जो है ना खाने के बाद आया था, सबके टेबलों पर खाने के बाद आया था मीठा। और मीठे में आई थी दूध दुलारी, है ना अम्मी? दूध दुलारी आई थी, तो उसकी वीडियो हम नहीं बना सके क्योंकि अभी खाना खाने में बिजी थे हम लोग। तो अभी खाना खा के थोड़ी देर बैठ के मिल के सबसे हम घर की तरफ जाएंगे। तो कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखें। और ये मेरी प्लेट भी देखें आप, ये मैंने डाला था बस। अल्लाह हाफिज़।